तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वाटरफॉल की पेंटिंग, नाइट की पेंटिंग वाटरफॉल की बनाने वाले हैं आज हम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग को, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अभी ना सबसे पहले हमें ऊपर करना है ब्लैक करना है ना, ब्लैक करना है। नाइट की पेंटिंग बना रही है इसलिए हम ब्लैक करेंगे। फिर उसके नीचे डार्क ब्लू करना है उसको, फिर उसे थोड़ा सा ना अपने फिंगर को वाटर में डिप करके थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना, ताकि वो अलग अलग लेयर ना लगे, वो एक जैसा लगे, तो वो हमें करना है। जिसके बाद हमें थोड़ा सा उसके नीचे बिल्कुल ही लाइट ब्लू करना है। ओके, उस थोड़ा सा वाइट मिक्स करना है हमें ब्लू कलर में। इसके बाद हमें उसके नीचे बनाने हैं पत्थर। जिसके बाद पत्थर बनाने पर हम मैंने इसमें ना आउटलाइन की है वो भी वाइट कलर, ताकि वो रियल लगे एकदम। पूरा ब्लैक करके रख देंगे तो वो रियल नहीं लगेगा। तो अभी मैंने इसमें दोनों साइड ऐसे ही करना है हमको, सेम टू सेम आउटलाइन करनी है इसके वाइट की। जिसके बाद हमें फिंगर से थोड़ा सा डैब 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 करना है, ताकि वो एकदम नेचुरल लगे। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें चॉकलेटी कलर भी कर दिया, ताकि वो एकदम रियल लगे। जिसके बाद हमें बनाना है वाटरफॉल का जो है वो झरना। झरना बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्योर चाहिए, प्योर कलर। जिसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रश को वाटर में डिप करके फिर करना है, फिर प्योर, फिर वाटर वाला कुछ इस तरीके से करना है, तब वो रियल लगेगा। फिर हमें ना वाइट कलर की ब्रश की एकदम लाइनिंग करनी, जो कि आपको पतले ब्रश से करनी होगी, वरना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसा करने के बाद फिर बाद में फिंगर्स और अच्छा करना है, फिंगर्स या फिर ब्रश से आप किससे भी ऐसा कर सकते हो, तो वो एकदम एकदम रियल लगेगा आप इस तरीके से करोगे। तो ऐसे करना है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा वाइट। यू ना, अगर आप कुछ बनाते हो या जैसे वाटरफॉल या फिर कोई झरना, झरना तो ऐसे वही होता है, पर जो नदी वगैरह होती है उसमें वाइट से आप इस तरीके से करोगे तो एकदम रियल लगता है वो, वाइट जैसे करते हैं। तो ऐसे आपको करना है। इसके बाद हम इसको बनाएंगे नीचे नदी, जो कि वो वाटरफॉल का जो पानी नीचे आ रहा है, तो हम वो बनाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से हमें करना है इसको, पूरा एकदम कवर अप कर लेना है इसके जैसे ही, सेम इससे भी पूरा करना है इसे। जिसके बाद हम मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा वाइट करेंगे, जिस तरीके से मैंने वाटरफॉल में ऊपर किया था ना, तो वैसे ही इसमें इस स्ट्रेट लाइन इस तरीके से करनी है। इसके बाद आपको ब्रश से या फिर फिंगर से टैप टैप करना है। इसके बाद जो वाटरफॉल हमारा आता है, तो उसमें वो जो एकदम नीचे पानी उड़ते हैं ना, इस तरीके से मैंने ब्रश को एकदम गोल 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 करना है। थोड़ा सा लाइट लेना है, जिस तरह से हमने नदी ली थी ना, उसे थोड़ा सा लाइट कलर लेना है। जिसके बाद हमें इसमें वैसे ही सेम जैसे आपने ब्लू में किया ना, वैसे आपको वाइट में भी इस तरीके से करना है, तो एकदम रियल लगेगा, बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा कि भाई रियल ही है। तो ऐसे फिंगर से अच्छे से करना, आपको फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, तो मैं हमेशा फिंगर से ही करती हूँ, ब्रश से वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर बाद में हमें क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं आउट साइड के जो पेड़ पौधे ना, वो वन थोड़ा सा बना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो साइड में सबसे पहले हमें इस तरीके से बनानी है, दोनों साइड वैसी की वैसी बनानी है हमें, सेम कुछ इस तरह की बनानी है दोनों साइड में, अच्छे से बनानी है बिल्कुल। जो ब्रश है ना पेड़ बना रहे ना, तो ब्रश को एकदम आड़ा करके बनाना चाहिए, पेड़ बनाए तो वो एकदम जब अच्छे तरीके से बनता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा वाइट लिया है, तो जहाँ पर हमने ब्लैक कलर के जैसे पेड़ बनाया था ना, उसी तरीके से उसके ऊपर हल्का हल्का हमें करा रहा है, क्योंकि वो हमने ब्लैक कलर का पत्थर बनाया था तो उसके ऊपर वो दिखता नहीं, इसीलिए हमने थोड़ा सा उसके ऊपर वाइट भी कर दिया है, वैसे एकदम थोड़ा दिखे वो, थोड़ा ब्लैक भी दिख रहा है और थोड़ा वाइट भी दिख रहा है उसके साथ साथ में। फिर बाद में हमने थोड़ा सा अब पिंक और रेड को थोड़ा मिक्स किया है, और फिर उसमें थोड़ी सी लीव्स बनानी है, पिंक और रेड को साथ में मिक्स करना है। थोड़ा सा आपको रेड लेना है बिल्कुल थोड़ा सा, और बाद में आपको पिंक लेना है, तो पिंक थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि जो रेड है वो एकदम डार्क कलर है, तो पिंक को पूरा दिखने ही नहीं देता है वो कलर ऐसा है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड करनी है। जिसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हमने पिंक और रेड का मिक्सचर बनाया था ना, इसमें ही आपको थोड़ा सा वाइट मिक्स करना, तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको भी वैसे ही करना है, उसके ऊपर ही करते जाओ, जैसे आपने किया था ना, अभी मैंने किया था वैसे ही करना है, तो उसके ऊपर ही करते जाना है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये भी, तो सेम उस तरह से करना है। फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लीव्स बना दी, ताकि और भी अच्छा लगे, ये वीडियो में वो कट गई थी शायद, तो इसीलिए मैंने बाद में और भी कर दी है लीव्स, ताकि वो थोड़ा बड़ा और थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखो अब हमने यहाँ पर बनाएंगे हम मून, अब रात है तो भाई मून तो बनाना ही होगा, वरना फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर बाद में हमें करना है पेंटिंग करनी है, तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो का लाइक ज़रूर करना और चैनल को